हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अबाउट सेस्मिक एनालिसिस, अर्थक्वेक की एनालिसिस करेंगे जिसमें आईएस कोड लगता है। तो जो आईएस कोड लगता है वो होता है IS 1893, उसके बारे में भी डीप में समझेंगे और पूरी तरीके से अच्छे से इसको समझेंगे किस तरीके से सेस्मिक एनालिसिस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेस्मिक एनालिसिस। ज्योमेट्री, रन स्ट्रक्चर विजार्ड, मैं एक फ्रेम ले लूंगा जिस फ्रेम से हमको इजिली जल्दी जल्दी से हम एनालिसिस कर सके और अच्छे तरीके से कर सके। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेम मॉडल्स, एंड फ्रेम मॉडल जस्ट डबल क्लिक ऑन बे फ्रेम, सपोज आई वांट सेम मॉडल सो जस्ट अप्लाई। इस तरीके से हमने फ्रेम ले लिया, ट्रांसफर ओके, 0,0,0 क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए, ओरिजिन पे चाहिए, तो हमें 0,0,0 चाहिए। ग्रिड ऑफ, फर्स्ट स्टेप जनरल, define rectangle, suppose I'll take the beam size is 0.30 into 0.23, this is my beam, and again I'll take the column size 0.45 into 0.30. मुझे कॉलम को लगाना है, so for column just direct go to select base value to y, assign this beam, so select beam speller to x, select beam speller to z, done. Now just go to support, support में जाके यहाँ पे create पे क्लिक करना है। This is building, so fix support, मैंने last video सारे में discuss किए कौन से में कौन सा support लगाना चाहिए कहाँ पे। तो better होगा कि आप पूरा playlist देखो अगर आप नए user हो, और अगर पुराने हो तो आपने already देखा होगा। और इस तरीके से हमने सारे select note कर लिए, assign। अब देखो, अब आते हैं आपके मेन स्टेप, ये तो आपको सबको पता है। मेन स्टेप मींस यहाँ पे लोड एंड डिफिनेशन पे आना है, लोड एंड डिफिनेशन, और लोड एंड डिफिनेशन पे जाके जस्ट गो टू डिफिनेशन, और इन डिफिनेशन जस्ट गो टू सेस्मिक डिफिनेशन, एड। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन स्टेप इज IS 1893 2002, यहाँ पे क्लिक करना है। आफ्टर दिस जस्ट क्लिक ऑन जनरेट, When you click on generate, तो आपके पास एक टेबल खुलेगा। हाँ दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा, जिसके पास सीरीज 6 होगा स्टैट प्रो का, उनको जब जनरेट करेंगे तो ये टेबल नहीं खुलता है, ओके? तो इन दैट केस यू कैन डायरेक्ट पुट हियर योर जोन वैल्यू, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे जोन वैल्यू डेट करके एड कर दो, आपका एनालिसिस हो जाएगा। जोन या सिटी, जो भी आपको पता है, सपोज आई वॉन्ट जोन, सो जोन और जोन 3 हमने ले लिया अगर, तो सबको पता होना चाहिए जोन 2, 3, 4, 5, ये चार होते हैं। जोन 2 की वैल्यू होती है 0.10, जोन 3 की 0.16, जोन 4 0.24, जोन 5 0.36। तो हमने ले लिया जोन 3। स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम एक होता है और एक होता है ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जब हम कभी कंक्रीट ग्रेड जो अपने बिल्डिंग में यूज करते हैं, अगर हमने M25 या उससे अधिक का यूज किया है मिक्स प्रोपोर्शन, तो उस बिल्डिंग को हम बोलते हैं स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, जिसकी वैल्यू होती है 5। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3। तो ये डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी कौन सा? M20, M15, मतलब M25 के नीचे का सारा मटेरियल का होता है, ऑर्डिनरी होता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे दो तरह की बिल्डिंग्स होती है, एक होती है जनरल बिल्डिंग, एक होती है इंपॉर्टेंस बिल्डिंग। जिन घरों में आप रहते हो दैट इज जनरल बिल्डिंग, सो जनरल बिल्डिंग का फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, और इंपॉर्टेंस बिल्डिंग जो होता है जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, तो इनकी वैल्यू होती है 1.5। आप गलती मत करना, जैसे कि अगर जनरल बिल्डिंग है और अगर आपने इसको इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कर दिया, देखो फैक्टर तो बढ़ जाएगा, मतलब सेफ्टी तो बढ़ जाएगी, बट प्रॉब्लम ये होगा कि मटेरियल बहुत ज्यादा लग जाएगा। सो बेटर होगा कि आपका जो जनरल है तो जनरल बिल्डिंग, और लाइक आपका इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग। चलिए हमने इसको ले लिया जनरल बिल्डिंग। इसके बाद सॉइल कंडीशन होता है हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। इंडिया में मैक्सिमम आपको मीडियम मिलेगा, और इसका बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये SA/G फिक्स करता है। आपको SA/G अगर नहीं पता है, मैनुअल डिजाइन में जैसे आप जाएंगे तो आप SA/G सॉइल कंडीशन के लिए होता है, तो प्लीज जो आपकी सॉइल का टाइप है वही इस पर पुट करिए तो बेटर होगा। तो हमने यहाँ पे सॉइल का टाइप पिट किया, यहाँ पे मीडियम सॉइल। और उसके बाद स्ट्रक्चर टाइप, स्ट्रक्चर टाइप मीन्स
आरसी बिल्डिंग हो सकती है आपकी, स्टील बिल्डिंग हो सकती है, अदर बिल्डिंग मतलब अदर मीन्स शेड वगैरह हो सकते हैं, टावर हो सकता है ऐसा। तो हमने यहाँ पे ले लिया आरसी बिल्डिंग्स, और उसके बाद यहाँ पर डैम्पिंग देना पड़ता है 0.5%, 0.5%, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है जनरेट, और जनरेट पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाले सेल वेट पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे 1 देना है ऐड। इसके बाद यहाँ पे आना है आपको मेंबर वेट पे, और मेंबर वेट पे जाके लोडिंग टाइप में UNI करना है, और लोडिंग जो देना है दैट लोडिंग आपको यहाँ पे पॉजिटिव में देना पड़ेगा। तो कौन सी लोडिंग देनी है? लोडिंग देना है ब्रिक का। मैंने कई बार बताया है कि ब्रिक का लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोडिंग के लिए लाइक हाउ टू कैलकुलेट डेड एंड लाइव लोड, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज उसको वॉच कर लेना। फिर मैं आपको अभी बता देता हूँ, हमें ब्रिक का लोड निकालना है तो देर इज अ फॉर्मूला, डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू ब्रैकेट में वॉल हाइट माइनस बीम डेप्थ। तो जैसे उसको आप कैलकुलेट करोगे, अगर वो 230 mm की वो आपकी वॉल होगी और आपका बीम का साइज मतलब बीम का जो डेप्थ होगा वो भी 230 होगा, तो उसका वैल्यू आएगा 12.1। आप कैलकुलेट कर लेना, डेंसिटी की जो वैल्यू रखनी है 19.1 रखना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास ब्रिक का 19.1 होता है। एड इसके बाद आना है फ्लोर वेट पे, फ्लोर वेट पे आने के बाद यहाँ पे आपने दे दिया 4.75। मैंने कई बार बताया है डेंसिटी इनटू थिकनेस, तो डेंसिटी ऑफ स्लैब इज 150 मतलब 0.15, और उसके बाद थिकनेस सॉरी डेंसिटी इज 25 आरसीसी की, उसके बाद थिकनेस 0.15 मीटर। तो कैलकुलेट करोगे तो 3.75 आएगा, जिसमें 1 किलोमीटर हमने फ्लोर फिनिश जोड़ दिया, और उसके बाद इसको रेंज प्रोवाइड कर दो 3 2 12 कंप्लीट एड। अब इसको लो और सारे मेंबर्स को सेलेक्ट कर लो, यहाँ तो आएगा नहीं ब्रेक, तो बस इतने पे ही असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके ऊपर रूफ होगा ना, तो रूफ पे तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। लोड एंड डिफिनेशन, अब यहाँ फिर से आना है आपको लोड केस डिटेल एड, सॉरी यहाँ पे आना है आपको सबसे पहले सेस्मिक EQ पॉजिटिव एक्स। कई लोग एक ही में कर देते हैं लाइक EQX, उसमें भी सही है, बट अगर आप अलग अलग करते तो आपके लिए बेटर होगा। तो हर डायरेक्शन का अलग वैल्यू आपको दिखा देगा। EQ पॉजिटिव जेड, EQ नेगेटिव जेड। इतना करने के बाद आप सबसे पहले इनको डिफाइन कर दीजिए, मींस यहाँ पे आपको EQ पॉजिटिव एक्स पे क्लिक करना है, सिस्मिक 1 एंड क्लोज, EQ नेगेटिव एक्स पे आना है, सिस्मिक कुछ नहीं करना है, आपसे फैक्टर आपको माइनस डाल देना है एड। इसके बाद EQ पॉजिटिव जेड में आना है, EQ नेगेटिव जेड में जाना है, तो आप नेगेटिव फैक्टर डाल दीजिए एड क्लोज। ये तो रहा आपका सेस्मिक। इसके बाद फिर से लोड के डिटेल पे जाइए एड, और यहाँ पे आपको डेड DL लाइव लोड LL एड। अब डेड लोड पे क्लिक करना है, एड करना है 1.5 एड, यहाँ पे सारा वैल्यू जो भी देंगे माइनस पे देंगे, कि यहाँ पे हमें अपवर्ड डायरेक्शन दिखाना पड़ता है कि ऊपर से आ रहा है GY डायरेक्शन से। और उसके बाद फ्लोर रेट -4.75 3 2 12, उसके बाद लाइव लोड लाइव का फ्लोर रेट, और यहाँ पे आके अगर ये रेसिडेंशियल माना है तो -2 किलोन्यूटन 3 2 9, और इस तरीके से हमने ऐड किया और क्लोज किया। सेल वेट असाइन टू व्यू,
यहाँ पे 3 to 9 इसलिए मैंने लिया है, अगर आपको नहीं कंफ्यूजन अगर है तो, 3 to 9 इसलिए लिया क्योंकि रूट पे हम लाइव लोड नहीं कंसिडर करते। ओके तो 3 to 9 इस तरीके से हमने सारे लोड्स लगा दिए हैं। अब इसके बाद एनालिसिस एंड प्रिंट ऑल एड रोज एनालाइज रन एनालिसिस से। इसके बाद आपका अब देखिए इसमें देखना क्या है, मतलब कि हमने इसमें किया क्यों है अभी आपको समझ आ जाएगा। ओके व्यू आउटपुट फाइल डन। रिजल्ट और यहाँ पे आएंगे अगर आप तो आपको बेस ईयर मिलेगा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ठीक है यहाँ पे आपके कुछ यूडल वगैरह मिलेंगे। ये सारे मेंबर्स होते हैं, आप डायरेक्ट आ जाइए जहाँ पे हमको चलना है। यस हमें यहाँ पे आना था, यहाँ मतलब यहाँ पे देखिए आपके पास जब हम लोग वहाँ पे टाइम क्या बोलते जब हमने बॉक्स में फिल कर रहे थे कि जोन कौन सा है वो कौन सा है तो वहाँ पे टाइम पीरियड फॉर एक्स था और टाइम पीरियड फॉर जेड था। तो जो टाइम पीरियड फॉर एक्स था उसे ये ऑटोमेटिक स्टेट को कैलकुलेट करता है, ये देखिए उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दिया। इसके बाद ऐसे भाई जी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ये सॉइल कंडीशन है तो इसे खुद से इसने जनरेट किया है 1.2 जो कि आपने देखा भी होगा 1.25 आपके IS कोड में भी दिया हुआ है। और इसके बाद फैक्टर तो हमने ही डाला था। और यहाँ पे देखो भी आपने पढ़ा होगा कॉलेज में और मैनुअली पढ़ा होगा डिजाइन बेस ईयर, बेस ईयर का फॉर्मूला क्या होता था भी इक्वल टू AH इंटू W। तो जो ये जो आया है आपके पास ये वैल्यू ये आपका W है, क्या है ये W है। ठीक है और AH भी फॉर्मूला अगला कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था आपको पता होना चाहिए ZI इंटू SA बाई 2RG। ठीक है तो जिसमें क्या करते थे ZI बाई 2R एक साथ फिल करते थे उसका हम लोग वैल्यू उसके बाद SAYG कर देते थे राइट। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा फैक्टर मिल जाएगा हमारा मतलब भी मिल जाएगा आपका डिजाइन बेस CR। ठीक है तो ये हमारा क्लियर हो गया। ये हमारा किस डायरेक्शन का था X का माइनस X का ये रहेगा, उसके बाद यहाँ पे Z का रहेगा और Z के बाद माइनस Z का ये रहेगा। ठीक है अब इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद देखना है लेटरल लोड। ठीक है आप जैसे यहाँ पे जाओगे देखो अभी आप यहाँ पे जब क्लिक किए और यहाँ पे जब जा रहे हो तो ये 8 level 3 3 meter तक आपका जो यहाँ पे गया है टोटल जो आपका प्रेशर जा रहा था वो कितना गया है 5 kilonewton। और जब आप यहाँ से ऊपर जाते हो तो यहाँ पे देखो आपका कितना kilonewton फोर्स हो गया 20 मतलब इंक्रीज हो रहा है 6 meter। ठीक है इसके बाद फिर से जाओगे यहाँ पे 9 meter पे तो आपका ये बढ़ चुका और 46 kilo यहाँ पे आ गया। ठीक है और इसके बाद ये क्या है ये लैटरल फोर्स है। ठीक है अगर आपको नहीं क्लियर है लैटरल लोड मतलब हॉरिजॉन्टल लोड जो अर्थक्वेक का लोड आ रहा है वो लोड है ये। ठीक है और उसके बाद आप सबसे टॉप में जाएंगे 6 meter 9 meter और 12 meter यहाँ टोटल कितना आ रहा है इतना आ रहा है 31। ठीक है तो ये आपको पता चल गया कि हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा का पूरा है। ठीक है क्लियर हो गया। इसी तरीके से दूसरे डायरेक्शन का इसी तरीके से तीसरे डायरेक्शन का करते हैं। ठीक है इस तरीके से हम लोग सिस्मिक एनालिसिस करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसका लाइक देखना है कि डिफ्लेक्शन वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो यू कैन कम हियर एंड देन इंक्रीज दिस लाइक दिस। ऐसे आप यहाँ पे कंट्रोल और माउस की मिडिल बटन को स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से बनता जाएगा। ओके और अगर आप ये तो डेट के लिए है, अगर आप यहाँ पे लाइव करेंगे तो ये लाइव के लिए रहेगा। अगर EQX करेंगे तो देखिए एक्स डायरेक्शन में और यहाँ पे पॉजिटिव एक्स हो गया है नेगेटिव एक्स पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड। एनिमेट करना है तो एनिमेशन भी कर सकते हो एनिमेशन डिफ्लेक्शन अप्लाई। ओके देखिए इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव एक्स और डेड लोड। ठीक है तो होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों किस तरीके से सिस्मिक एनालिसिस करते हैं स्टैट प्रो के अंदर। आपको और कौन से टॉपिक्स चाहिए सिस्मिक लाइक इसमें स्टैट प्रो में प्लीज नीचे कमेंट करना और कमेंट करके बताना कि सर मुझे ये टॉपिक चाहिए। वैसे मैं बहुत जल्दी आपके लिए टावर डिजाइन का टॉपिक लेके आने वाला हूँ बट आपके तरफ से भी कोई अगर टॉपिक है तो प्लीज नीचे सजेस्ट करना और साथ ही साथ अच्छा लगे तो इसको यार इतना फैलाना
कि मैं डेली का डेली एक एक सॉफ्टवेयर का वीडियो तैयार करता हूँ आपके लिए। और वैसे मैंने सारा कुछ तैयार कर रखा है आपके लिए, स्टैट प्रो है, रेविट है, ई टैब्स है, ऑटो कैड है, सब कुछ है। तो आप अगर अच्छे से सीखते हैं तो आप प्रॉपर सीख जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप करके पूछ लेना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।